राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। और आज मैं जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने, वो हल्द्वानी का ब्लॉगर है, तो उससे मिल लेते हैं। और उसी बहाने से मैंने कहा उससे थोड़ी घूम लेंगे यहाँ पे। तो भाई अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और वाह यार, पीछे का व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। अब मैं और हिम्मी निकलते हैं भाई अपने धन्नों पे, और हमारी धन्नों भी होगी है रेडी, तो चलते हैं फिर देखते हैं डेस्टिनेशन पे। भाई से भी मिलते हैं और इसी बहाने देखते हैं वो कहाँ घुमाता है आज हमें अपने ब्लॉग में। ये यहाँ की जगह है और भाई बहुत ज्यादा खराब जगह है। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं ब्रिज में और यहाँ से नीचे जाने का होता है तो देखते हैं। गगास आए हैं, गगास पहाड़ी भाषा। तो वेलकम बैक गाइज, मैं आ गया हूँ लवज भाई के साथ यहाँ पे। और ये रानी कोटा है ना? रानी कोटा है जो कि कोटा बाग में पड़ता है। अच्छा, और तो इनके साथ आया हूँ मैं घूमने के लिए। ये भाई ब्लॉग करते हैं, मतलब हल्द्वानी में रहते हैं और ब्लॉग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं इनके। हल्द्वानी में काला ढूंगी एक जगह है, उधर रहता हूँ मैं। तो देख सकते हैं कोटा बाग में है ये जो ब्रिज है, काफ़ी बढ़िया सा ब्रिज है। ये मेरे को मेरे दोस्त ने ही बताया था कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे व्यू है फोटो वगैरह खिंचाने का और वीडियोस वगैरह बनाने का। और भैया ने कहा चलो कहीं चलते हैं घूमने, तो हम उनके साथ आ गए इधर। नैनीताल का टूर किया, उसके बाद मेरे को कोई टूर समझ नहीं आ रहा था किसके साथ जाऊं। ये भांजा है, इसे कुछ पता नहीं है, ये कहीं जाता नहीं है, तो मैं भाई के साथ आ गया। मैंने कहा इसी बहाने इनसे भी मिल लूँगा, इनके ब्लॉग देखता रहता हूँ मैं, जब हरियाणा में था तब से देखता हूँ, मेरे को अच्छे लगते थे। मैंने कहा भाई से मिलूँगा। तो अब फाइनली मिल गया। इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं घूमने चलते हैं, वहाँ ब्लॉग भी हो जाएगा, मिल भी लेंगे। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, नेचर बहुत अच्छा है भाई का एकदम। तो अब यहाँ पे हम घूम रहे हैं और यहाँ पे थोड़े सिनेमैटिक व्यूज लेंगे अभी। अच्छा, यहाँ के अच्छा लग रहा है, नैनीताल के मुकाबले बहुत कम ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी। मेरे चैनल से इस चैनल पे आएंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर देना बड़े भाई को। थैंक यू, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी घूमते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। मतलब रास्ते में भी बहुत अच्छे यूनिक व्यू आ रहे थे, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे हम थोड़ी जल्दी में। कोटाबाग जो जगह की जो विशेषता है वो है कि ये जो कोटाबाग है वो क्या कहते हैं, पहाड़ी से भी आता है और प्लेन से भी आता है। आपने देखा होगा रास्ते में कि प्लेन आ रहा था कहीं पर पहाड़ी आ रही थी। अच्छा, ये दोनों में आता है, मतलब मिक्स अप है पहाड़ और प्लेन। अच्छा अच्छा, तो भाई ये चीज़ें हैं यहाँ की। और बाकी अब भाई से एक कुछ दिनों बाद अब मैं भी हरियाणा जाऊंगा तो भैया से मिलेंगे। अरे जरूर, पूरा घुमाएंगे जगह कहाँ कहाँ। तो भाई वेलकम टू हरियाणा, काफी अच्छा लगा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे को, थोड़ी नीचे देख लेते हैं यहाँ पे कैसा है यहाँ का माहौल, और थोड़ी पानी को भी टच करके देखते हैं कितना ठंडा है। बाकी नैनीताल के मुकाबले यहाँ पे बहुत गर्मी सी है, इतने ठंडक नहीं है यहाँ पे। और मेरे को तो है ना, ये भाई भी कह रहे गर्म हो रहा है। यहाँ से आगे से चलते हैं जो रास्ता होगा।
बढ़िया लग रहा है यार। अगर ये है कि बारिश के टाइम पे आते तो फुल मिलता हमें पूरा पानी, और ना हम देख पाते ना कुछ, वैसे बढ़िया लगता लेकिन हम नीचे नहीं जा पाते। लेकिन अब बारिश नहीं है, पानी कम है, तो हम नीचे तक जा सकते हैं यहाँ पे। आंटी जी हाय। तो यहाँ पे आंटी जी भी काम कर रहे हैं, कुछ खेत वगैरह भी हैं इस साइड में, बढ़िया है ना। ये पहाड़ में आता है ना, ये प्लेन्स में आता है, बीच में आता है। रास्ता बना रहा है तो बड़ा जानवर। तो ये हमारा रास्ता बन गया भाई जी के लिए, और अब हम जा रहे हैं इस पे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने एंजॉय कर लिया है, और हम अब जा रहे हैं ऊपर को। यहाँ के पानी से मुंह धोया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा था, इतना ठंडा नहीं लग रहा। मज़े आ रहे हैं, फुल मज़े आ रहे हैं, और ऊपर से भाई भी मिल गया हमें, तो भाई के साथ तो और एंजॉय हो रहा है। क्यों भाई जी, मज़ा आ रहा है? अब इसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, कहीं पर बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं इस साइड में। अगर ऐसी जगह मिल जाए जैसे मनाली साइड में, वो होता है कि नीचे नदी रहती है, ऊपर से व्यू दिखता है, और है ना, ऐसी जगह मिल जाएगी तो मज़े आ जाएंगे। बाकी यहाँ आके थोड़ी गांव वाली सी फीलिंग आ रही है, कि जैसे गांव में आ जाते हैं वैसे। तो अब हम जा रहे हैं घर को, मतलब रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो भाई, अब भाई ने मेरे को यहाँ का एक्सप्लोर कराया, बताया यहाँ के बारे में, घुमाया फिराया, मतलब अच्छा लगा। थोड़ी बहुत हमने मस्ती भी करी, पानी में भी गए, अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं आगे को, देखते हैं रास्ते में कैसा व्यू आता है, क्या आता है, और कहाँ पे हम रुकते हैं, क्योंकि इस साइड में ज़्यादा हाई फाई एरिया नहीं है, छोटा मोटा है, हाँ गाँव टाइप का कह सकते हो। और ये यहाँ पे क्या होता है पता है, आप ऐसी छोड़ दो कहीं भी ने, अपने आप शाम को घर आ जाती हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे कहीं पे कुछ खाने के लिए मिलता है। तो आप भाई आ रहे हैं पीछे, और हम उनके आगे आगे मतलब हमने अब बाइक एक्सचेंज कर ली है। यहाँ की थोड़ी ऑफ रोड है लेकिन अच्छी है, बिकॉज मुझे ऑफ रोड बहुत अच्छी लगती है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ हमारे साथ कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया। अब हम यहाँ आए हैं मार्केट में, अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर बता रहे थे। देखो भैया 2-3 किलोमीटर दूर कैसा होता है इनका, और बाकी हम चल ही रहे हैं। दोस्तों अब
भाई जी जा रहे हैं घर को और हम भी निकलते हैं घर को। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, घूम लिए फिर लिए, खा लिया पी लिया, पूरा दिन बहुत अच्छा गया आज का। तो फिर मिलते हैं भैया। ठीक है जी, और भैया को सपोर्ट करना, ठीक है, जो भी मेरे चैनल से आएंगे। बाकी फिर मिलते हैं भैया। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू। तो भाई अब हम भी निकलते हैं घर को, भाई जी भी जा रहे हैं। बाय बाय। चलो ठीक है, अब दोस्तों मिलेंगे ब्लॉग आगे, ब्लॉग में अगर बनाएंगे तो, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ का ब्लॉग एनकर बहुत बढ़िया लग रहा है। चिटका हुआ यार भाई, अबे हेलमेट पहन के घर से कितना भी फैशन कर लो लेकिन ऐसे बन जाते हैं, बैंड तो बजनी है बालों की। तो यार भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्टिंग है और नेचर वाइज बहुत ही, मतलब क्या कहूँ, एक इनोसेंट टाइप का कहते हैं ना, तो उस टाइप के हैं भाई जी हम बिल्कुल। बात यह है अच्छे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब बढ़ा दे, घर से भी फोन आ गया। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।